Hello everyone, good morning to all of you. This is Nidhi Dhruv, a law graduate. I welcome all of you to my class and I welcome all of you to this wonderful platform of An Academy. Okay, क्या आप लोग सब लोग को मेरी आवाज ठीक आ रही है? चेक कर लेते हैं. सॉरी गाइस, कुछ डिसकनेक्शन हो गया था. अभी ठीक है, अभी आई थिंक इट्स कनेक्टेड. आप लोग सब लोग मुझे सुन पा रहे हो? रोशन कुमार, मिस राजपूत, वेलकम टू द क्लास, गुड मॉर्निंग. अभी ठीक है क्या? सभी लोग को सुनाई दे रहा है? मैं एक बार चेक कर लेती हूँ मेरे ही फोन में. सॉरी ओके, सो मिस राजपूत इज आल्सो कुछ सेइंग यस. डिस्कनेक्शन हो गया था. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. सो दिस इज निधि ध्रुव, अ लॉ ग्रेजुएट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी. आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ अन एकेडमी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वंडरफुल क्लास ऑफ न्यूज़पेपर एनालिसिस. सो आज 22 मार्च है, मंडे का दिन है, अ वेरी लवली सनी ब्राइट मॉर्निंग. एंड हम न्यूज़पेपर एनालिसिस करने वाले हैं. सारे इम्पोर्टेंट न्यूज जो भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, हम वो सारे कवर करने वाले हैं. सो गाइज, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ये क्लास के बारे में जो भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं. नॉट जस्ट लॉ एंट्रेंस एग्जाम, बट उसके अलावा कोई भी यूपीएससी बैंकिंग एग्जाम जिसमें करंट अफेयर सेक्शन है, सभी को ये क्लास हेल्पफुल होगा. सो जिसको भी आप जानते हो कि जो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं और उनको करंट अफेयर सेक्शन है, आप सभी के साथ ये क्लास शेयर कर सकते हो. आप खुद भी अगर अच्छा लगे क्लास तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सो दैट रेगुलर आपको अपडेट्स मिले ये क्लास के बारे में. ठीक है? एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल. मेरा टेलीग्राम चैनल है निधि ध्रुव क्लैट एडुकेटर, उस पर मुझे ज्वाइन कीजिए. NIDHI DHRUV निधि ध्रुव क्लैट एडुकेटर, इस पर भी मैं रोज अपने क्लास के बारे में अपडेट दे देती हूँ. तो आप जरूर उस ये चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है? ऑल राइट. तो मेरा एक क्विक इंट्रोडक्शन भी आपको दिखा दूं जस्ट बिफोर आई स्टार्ट विद द क्लास. सो आई एम हैविंग, मैंने अपना क्वालिफिकेशन तो बताया एंड आई एम हैविंग 8+ ईयर्स एक्सपीरियंस इन टीचिंग टू वेरियस लॉ एंट्रेंस एग्जाम स्टूडेंट्स. एंड एकदम प्रिसाइज लर्निंग टीचिंग के लिए मेरा मुझे जाना जाता है ज्यादा करके. आई हैव ऑल्सो बीन एसोसिएटेड विद IMS लर्निंग रिसोर्सेज, कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट एंड कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग पर्पसेज. एंड यू नो, शेयरिंग नॉलेज इज लाइक, एंड यू नो, मीटिंग विद न्यू न्यू स्टूडेंट्स एंड शेयरिंग माई नॉलेज गिव्स मी इमेंस प्लेजर. इसके अलावा गाइज, अभी बकअप 3 मंथ्स बच चुके हैं सिर्फ आपकी लॉ एंट्रेंस के लिए. ठीक है? जल्दी से आप प्रेप्ड अप हो जाए और यू नो, एकदम 100% दीजिए 3 महीने में अपना. आप डेफिनेटली आप जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हो वो कर पाओगे. ओनली 3 मंथ्स रिमेनिंग, मई या जून में ही मोस्ट एग्जाम्स है आपके, तो आपको बहुत कम टाइम है, जल्दी से आप रेडी हो जाए. एवरीबडी, रिचा मेहरा, मिस राजपूत, एवरीबडी वेलकम टू द क्लास, गुड मॉर्निंग. मिस राजपूत सिंह, मैम वॉइस प्रॉब्लम हो रही है. फैन की आवाज आ रही है क्या मिस राजपूत? आई जस्ट चेक एक सेकेंड. लाइक एंड यू नो, मीटिंग विद न्यू स्टूडेंट्स एंड शेयरिंग माय नॉलेज गिव्स मी इमेंस प्लेजर. मिस राजपूत, मेरी वॉइस तो ठीक है,
देखिए मैंने भी फोन में अपने चेक कर लिया, वॉइस तो ठीक आ रही है। आई थिंक आपके नेटवर्क में कुछ इश्यू होगा मिस राजपूत, रिकनेक्ट कर लीजिए आपका नेटवर्क तो ठीक ठीक ही आएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका भी वास्ट सिलेबस है, बोर्ड एग्जाम्स भी आ रही है और बहुत लिमिटेड टाइम है, तो यू हैव टू गिव योर 100%। और करंट अफेयर्स पर्पस के लिए तो ये न्यूज़पेपर एनालिसिस की क्लास आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, अभी हम फिलहाल न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फ्रंट पेज, आज के फ्रंट पेज पे क्या न्यूज है, लेट्स सी दैट, लेट्स कवर दैट। ओके, तो आपको फर्स्ट फर्स्ट पेज पे, फ्रंट पेज पे क्या है, म्यांमार बॉर्डर शट अमिड रिस्ट्रेंस ओवर रेफ्यूजी क्राइसिस। सो हमें पता है कि 1 फरवरी से जो मिलिट्री कूप हुआ है म्यांमार में, मिलिट्री रूल डिक्लेयर कर दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वहां के जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है और डेमोक्रेसी की बेसिकली धज्जियां उड़ गई है म्यांमार में। और उसके बाद बहुत सिटीजन्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट यू नो वो लोगों को भी मार दिया जा रहा है उधर, तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली म्यांमार से काफी लोग भाग के इंडिया में आए हैं, ऑलमोस्ट 150 लोग जितने आए थे हमने लास्ट वीक में देखा था। ठीक है, दो मिजोरम स्टेट, मिजोरम और स्टेट में इंडिया और म्यांमार की जो बॉर्डर लगती है वहां से लोग आ रहे थे। मिजोरम स्टेट ने बोला भी कि हमें उनको शेल्टर देना चाहिए, वो रेफ्यूजीज को, और उनको खाना वगैरह भी देना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट हैप्पी विथ इट, इट्स नॉट रेडी विथ इट, और उन्होंने म्यांमार बॉर्डर शट करवा दिया है, बंद करवा दिया है, सो दैट लोग कहीं वहां से भाग भाग के इंडिया में ना आ जाए। ठीक है, सो म्यांमार बॉर्डर अभी बंद हो चुकी है, क्योंकि जो रेफ्यूजी के क्राइसिस है इधर आ गए आ जाते हैं और फिर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और इवन म्यांमार के साथ रिलेशन भी फ्यूचर में खराब हो सकते हैं इंडिया के, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से बंद कर दिया गया है। ठीक है, मिजोरम की जो सीएम है ही टॉक्स टू यांगोन मिनिस्टर एज सेंटर चेक्स इन्फ्लक्स। मैं फुल व्यू कर लेती हूँ इसका। हाय गौतम, वेलकम टू द क्लास, गुड मॉर्निंग। ओके, सो ये आप देख रहे हो कि म्यांमार और इंडिया का जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया गया है, इस तरीके से ये बॉर्डर है, यहाँ से वो बंद कर दिया गया है। ठीक है, और हमारे जो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर है जोरम थंगा, मिस्टर जोरम थंगा, उन्होंने वर्चुअल मीटिंग किया है म्यांमार के फॉरेन मिनिस्टर के साथ संडे को, कल के दिन में, जिन मार नाम के जो फॉरेन मिनिस्टर है म्यांमार के, उनके साथ एक वर्चुअल मीटिंग करके बोला है कि अमेड ये ऑनगोइंग मिलिट्री क्रैकडाउन जो है फेब्रुवरी के वजह में, कूप जो हुआ उसके वजह से, तो इवन तो हमने पूरे सील किए हैं एंट्री पॉइंट्स, बट कुछ भी जरूरत होगा तो हम आपको हेल्प करेंगे। ओके, ऐसा बोला है, इवन एज इंडिया सील्ड ऑल एंट्री पॉइंट्स अलोंग द बॉर्डर विद साउथ ईस्ट एशियन नेबर एंड इज क्लोजली मॉनिटरिंग देम टू प्रिवेंट एनी म्यांमार नेशनल फ्रॉम एंटरिंग द कंट्री। तो वो लोग ने अभी वर्चुअल मीटिंग तो करके बोल दिया है कि अभी हमने सारे बॉर्डर्स अभी बंद कर दिए हैं आपकी कंट्री के और हमारी कंट्री के बीच के। ठीक है, एंड आर स्टिल हम हेल्प करेंगे जो हो सकता है वो, आर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विथ म्यांमार इन दीज ट्राइंग टाइम्स, ऐसा जोरमथंगा ने ट्विटर पे भी डाला है। ठीक है, उन्होंने ये जो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी लेटर लिखा था कि हमने ये पॉलिटिकल रेफ्यूजीज को असाइलम देना चाहिए, फूड एंड शेल्टर भी देना चाहिए, बट सेंटर एंड स्टेट का ओपिनियन सेम नहीं है, वो टसल के बीच में फाइनली डिसीजन लिया गया कि ये म्यांमार की बॉर्डर बंद कर देना। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। ये आपकी एक फ्रंट पेज की इम्पोर्टेंट न्यूज थी। दूसरी एक न्यूज है, आप सभी को पता है कि अभी जो रिलायंस के मुकेश अंबानी इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके घर के बाहर एक एसयूवी पाई गई थी विद एक्सप्लोजिव मटेरियल्स। ठीक है, और उसके अंडर मिस्टर वाजे, सचिन वाजे जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, उनको अरेस्ट किया गया है। ठीक है, और इसमें ऐसा पाया जा रहा है कि इवन अनिल देशमुख पे भी काफी सीरियस चार्जेस लगाए गए हैं। ठीक है, अनिल देशमुख जो होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, तो इधर अभी शरद पवार जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, जिन्होंने जिनकी अलायंस पार्टी है शिवसेना के साथ, उन्होंने बोला है कि महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे जी, ही विल डिसाइड ऑन अनिल देशमुख, आप चिंता मत कीजिए।
वो डिसीजन लेंगे, ऐसा एनसीपी के लिए प्रेसिडेंट शरद पवार ने स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, इधर जो मैं फुल व्यू कर लेती हूँ इसका, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, काफी दिनों से ये इश्यू चल रहा है। ठीक है, तो इधर जो परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर है मुंबई के, उनको ट्रांसफर कर दिया गया ये हमें पता है, बट ऐसा माना जा रहा है कि और वो परमवीर सिंह जिसका ट्रांसफर हुआ, उन्होंने एक काफी सीरियस एलिगेशन लगाए हैं महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के ऊपर। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख है, उन्होंने सचिन वाजे जो सस्पेंडेड ऑफिसर है उनको और दूसरे पुलिस ऑफिसर को 100 करोड़ एवरी मंथ कलेक्ट करना फ्रॉम बार्स एंड होटेल्स इन द मुंबई, ऐसा ऑर्डर दिया था अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को। एंड मिस्टर पवार ने ऐसा बताया है कि जो एलिगेशन है मिस्टर सिंह के, वो क्यों अभी आ रहे, जब भी उनका हमने ट्रांसफर किया उसके पहले क्यों उन्होंने एलिगेशन नहीं डाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देके उसका उनका उनके जो चार्जेस वो लगा रहे हैं, वो जो ब्लेम कर रहे हैं, एक्यूजेशंस कर रहे हैं, उसको उनको उसको डिस्कार्ड करने की ट्राई की जा रही है। ठीक है, बट बोला जा रहा है कि अगर वो रिस्पॉन्सिबल है तो होम मिनिस्टर के अगेंस्ट महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एक्शन लेंगे। ये चीज के बारे में आपको खास जानना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो बीजेपी का ऑपोजिशन है महाराष्ट्र में, फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस जो एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं महाराष्ट्र के, वो चाहते हैं कि देशमुख का ऑस्टर दैट इज उसको निकाल दिया जाए। ठीक है, देन हरिद्वार में जो कुंभ मेला हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट वॉर्न कर रहा है, उत्तराखंड में हरिद्वार में जो कुंभ मेला चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट वॉर्न कर रहा है कि कोविड-19 का केसेस में बहुत ज्यादा हाइक होगा, पूरा कोविड-19 अपसर्ज होने में ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, क्योंकि रोज के 10 से 20 पिलिग्रिम जो लोकल है वहां के, वो कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, एंड इट विल मल्टीप्लाई इन नंबर, एंड एंड ऑफ द डे इसकी वजह से कोविड-19 में अपसर्ज देखने को मिल सकता है। सो इसके रिगार्डिंग उत्तराखंड में एक्शन लेने के लिए बताया गया है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट फैसिलिटी, आरटीपीसीआर टेस्ट, एंटीजन टेस्ट, ये सब करवाने के लिए बोला गया है। ठीक है, बट उत्तराखंड के जो नए चीफ मिनिस्टर है तीरथ सिंह रावत, उन्होंने पहले स्टेटमेंट दिया था कि कोई कोविड नेगेटिव का रिपोर्ट लेके हरिद्वार के कुंभ मेला में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज के बारे में भी उनको रिकंसिडर करना चाहिए मे बी। ऑलराइट, सो ये एक न्यूज था, ये सारे फ्रंट पेज के आपके इम्पोर्टेंट न्यूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वेस्ट के न्यूज के साथ, दैट इज महाराष्ट्र के न्यूज के साथ और वेस्ट एरिया ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो इसमें बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, आप देख सकते हो इधर मैंने हाईलाइट किया है, बीजेपी होल्ड्स प्रोटेस्ट फॉर रेजिग्नेशन ऑफ अनिल देशमुख। ठीक है, काफी डिमॉन्स्ट्रेशन इसके लिए हो रहे हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट इधर ये पेज पे आर्टिकल ये है, हीरेन मनसुख जो बिजनेसमैन है उनका जो मर्डर हुआ, एंड उन जिनकी एसयूवी थी, एक्चुअली वो ओनर थे एसयूवी के, जिसकी एसयूवी चोरी हो गई थी और वो एसयूवी में ही एक्सप्लोजिव मटेरियल्स रख के मुकेश अंबानी के घर के बाहर पार्क किया गया था। तो ये जो हीरेन मर्डर केस, और उनको फिर मार दिया गया, गिराया था 25 फरवरी 2021 को, ये कार एसयूवी विद एक्सप्लोजिव मटेरियल वाज देयर आउटसाइड मुकेश अंबानीज रेसिडेंस। ठीक है, एंड देन 5 मार्च को हीरेन का मर्डर कर दिया गया जिसकी कार थी। ठीक है, और इस चीज के लिए असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर जो सचिन वाजे थे वो मेन मेन कल्प्रिट पाए जा रहे हैं, कल्प्रिट नहीं बोल सकते, मेन अभी तो अक्यूज्ड है, हमें नहीं पता है कि फाइनली क्या डिसीजन आएगा। ठीक है, तो ऑफिशियल से वाजे हैज इमर्ज एज प्राइम अक्यूज्ड इन द क्राइम, एंड राज ठाकरे भी चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन इसमें करे और डिसीजन ले, क्योंकि शिवसेना गवर्नमेंट इज लाइकली टू बी लाइक इन्वॉल्व इन अ वे, ऐसा परमबीर सिंह जो कमिश्नर है उन्होंने एलिगेशन अनिल देशमुख पे लगाया, उससे पाया जा रहा है। तो बेसिकली कल के दिन क्या हुआ, एटीएस जो महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड है, उन्होंने और पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने मिलके पूरा सीन क्रिएट करने का वापस ट्राई किया, जो जिस दिन का वो एसयूवी पार्क हुई थी घर के बाहर, देखो ये एंटीला के बाहर, मुकेश अंबानी के घर के बाहर जहाँ एसयूवी पार्क हुई थी,
वहां का ये क्राइम का सीन रिक्रिएट करने की ट्राई की गई है, ठीक है। और उसमें अक्यूज्ड दूसरे भी दो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, विनायक शिंदे एंड एक बुकी है नरेश गौर। ये दोनों को भी पाया गया है लायबल, और नॉट लायबल बट अक्यूज के तौर पे। और ऐसा पाया जा रहा है कि वो दोनों भी इन्वॉल्व थे इसमें, हिरेन मर्डर केस में, ठीक है। तो उन दोनों को भी अभी अरेस्ट कर लिया गया है सैटरडे लेट नाइट को, ठीक है। तो ऑफिशियल ने ये ना बुकी का भी नाम दिया है एंड पुलिसमैन विनायक शिंदे। विनायक शिंदे एक्चुअली काफी सालों तक तो जेल में ही थे, और रिसेंटली वो निकल के बाहर आए थे, और उनको सचिन वाजे ने ही रीअपॉइंट करवाया था एज अ पुलिसमैन। एंड वापस वो खुद सचिन वाजा के साथ इन्वॉल्व होके ये पूरे इसमें कॉन्स्पिरेटर, वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर बन गए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज, और उनके ऊपर आईपीएस के आईपीसी के बहुत सारे सेक्शंस के चार्जेस लगा दिए गए हैं, ओके। तो इस चीज में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के राज ठाकरे जी जो है, वो चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंटरवीन करे इस चीज के रिगार्डिंग, और कुछ इसमें ठोस निकल के बाहर आए फिर, सो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पेज है, मैं आपको बोलूंगी वो सेकेंड पेज का, ये जो सचिन वाजे वाला वो जो आर्टिकल था, ये जरूर आपको पढ़ना चाहिए डिटेल में एक बार अच्छे से, ठीक है। ये काफी एक इम्पोर्टेंट ऑनगोइंग न्यूज है, मतलब अभी काफी टाइम से चर्चा में होने वाला बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल मैटर है, आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। ये पेज पे कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। सेम ऑन दिस पेज, फिफ्थ पेज तो एडुकेशन प्लस का है जो आपको नहीं पढ़ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ कम्स योर मोस्ट इम्पोर्टेंट पेज फॉर एग्जाम, दैट इज एडिटोरियल पेज, ठीक है। ये एडिटोरियल पेज हम करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी अबाउट अन एकेडमी, वाई यू गाइज शुड ज्वाइन अन एकेडमी, ये आपको जानना चाहिए। तो गाइस, अन एकेडमी के एडवांटेज देखिए, जिसने जो भी यूट्यूब व्यूअर्स है, और आप अगर अभी तक आपने अन एकेडमी नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कीजिए। एनी टाइम एनी वेयर आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो आपकी कन्वीनियंस से, ठीक है। बेस्ट एडुकेटर्स सब एनएलयू एल्यूमनाइज जो है, उनसे भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। आपको क्लैट करस्पॉन्डेंस कोर्सेज मिलेंगे मल्टीपल अलग अलग बैचेस में, खास करके प्लस कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीशन होगा अच्छे से, एंड रिपीटेड भी अलग अलग प्रोफेसर के व्यू से भी आप लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड पेडगोजी है हमारे पास अन एकेडमी पे। काफी इवेंट्स होते हैं लाइक टॉपर स्ट्रेटजीज, चैंपियनशिप सीरीज, ये सब। अनलिमिटेड क्विजेज का रिपोजिटरी है एन एकेडमी पे, यू कीप गिविंग क्विजेज एंड कीप प्रैक्टिसिंग। देन क्लैट जो दे रहे हैं उनको क्लैट पैटर्न के हिसाब का मॉक टेस्ट भी है, तो 30+ मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट है, जो रोज हर एक सब्जेक्ट का सेक्शनल टेस्ट अन एकेडमी पे होता है, ठीक है। एंड आप पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये सारे एडवांटेजेस है अन एकेडमी के, जरूर ज्वाइन कीजिए। एक्सक्लूसिव क्लैट के लिए ये सारे बैचेस है, जरूर ज्वाइन कीजिए आप लोग, ठीक है। 24 मार्च को भी रिसेंटली एक बैच स्टार्ट हो रहा है आपको 2022 वालों के लिए, खास ध्यान में रखिए ये चीज। देन क्लैट 2021 दे रहे हो तो आपको लाइव आपको मॉक टेस्ट होती रहती है एवरी संडे, देन रोज की सेक्शनल टेस्ट होती है, सारे प्रॉपर स्टडी मटेरियल एंड पीडीएफ फॉर्मेट्स में आपको मिलते हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं हर 4 क्लास के बाद, एनी टाइम एनी वेयर सिटिंग यू कैन वॉच द क्लासेस, ठीक है। तो ये जरूर आपको ज्वाइन करना चाहिए। एंड वी ऑल्सो हैव बैचेस फॉर हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2022, उनके लिए भी बैचेस है, एंड क्लैट 2023 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी हमारे पास बैचेस है, और ये सारे फायदे उनको भी है, ठीक है। क्लैट का सब्सक्रिप्शन भी आपको कितने कम में मिल सकता है आप देख सकते हो। आप जरूर मेरा कोड यूज कीजिए, निधि लाइव, NIDHI LIVE,
ज्वाइन करने से आपको 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, अभी समझो आप CLAT 2021 दे रहे हो, सो 3 महीने के बाद एग्जाम है, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए आपको चल जाएगा। ओरिजिनल प्राइस इसका 12,500 है, बट अगर आप मेरा कोड यूज करते हो निधि लाइव, NIDHI LIVE, तो आपको सिर्फ 11,250 रुपीज में मिल जाएगा ये कोर्स। इसमें आप कितने भी अलग अलग एडुकेटर्स के लेक्चर देख सकते हो, सभी बैचेस देख सकते हो, समझो एक बैच में दो प्रोफेसर आपको पसंद है, दूसरे बैच में से दो प्रोफेसर पसंद है, तीसरे बैच में से एक प्रोफेसर पसंद है, तो हर एक 5 अलग सब्जेक्ट के लिए आप अलग अलग बैचेस में ज्वाइन करके आप उनके लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। ट्रेडिशनल क्लासेस से ये बहुत कम फीस है और आप कभी भी अपने कन्वीनियंस पे कहीं पे भी पढ़ सकते हो, जरूर ज्वाइन कीजिए। दोज हु आर गिविंग नेक्स्ट ईयर CLAT 2022, 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए, पूरे एक साल प्रिपेयर करवाएगा आपको। आफ्टर डिस्काउंट 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको, आफ्टर डिस्काउंट इट्स गोइंग टू बी, फीस आर गोइंग टू बी ओनली 22,500 एंड इट्स लाइक वे लेस देन एनी अदर प्लेटफॉर्म और यू नो क्लासेस, ट्रेडिशनल क्लासेस, तो जरूर ये आप बेनिफिट लीजिए, ठीक है। 10% डिस्काउंट के लिए ये मंथ में ही मिलने वाला है, नेक्स्ट मंथ से शायद कम हो जाने वाला है डिस्काउंट, सो आप जरूर मेरा कोड यूज करना निधि लाइव। हमारे पास अलग अलग इवेंट्स भी है अन अकेडमी पे, यू नो लर्न हाउ टू क्रैक क्लैट इन 3 मंथ्स, ऐसे टॉपर्स के इंटरव्यू होते हैं, देन एवरी डे मंडे टू फ्राइडे 5 सब्जेक्ट की, एवरी डे मंडे को एक, ट्यूसडे को एक अलग सब्जेक्ट की, वैसे 5ों दिन सेक्शन टेस्ट होती है और उसके एनालिसिस भी होते हैं लेटर। संडे को भी चैंपियनशिप मॉक टेस्ट होती है एवरी संडे, जिसमें पूरा एक आप एग्जाम दे रहे हो क्लैट का, वैसा ही मॉक टेस्ट आपका होगा, तो ये सारे बेनिफिट है, ये सारे इवेंट्स अभी अन अकेडमी पे चल रहा है, जरूर ज्वाइन कीजिए एंड मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस लर्निंग, ओके। सो गाइज जरूर ज्वाइन कीजिए इसे, आई वुड रियली से कि इट्स गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल टू यू, आप लोग यू विल थैंक मी लेटर फॉर दिस आई एम श्योर, ठीक है। कमिंग बैक टू इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर न्यूज पेपर एनालिसिस, दैट इज एडिटोरियल पार्ट। एडिटोरियल्स ये पेज पे, 6th पेज पे आपको 2 एडिटोरियल और 2 लीड्स दी जाती है, ठीक है। तो इसमें से आज आई वुड से एक एडिटोरियल इम्पोर्टेंट है सिर्फ आपके लिए, ठीक है। दैट इज, मैं फुल व्यू करती हूँ इसका, ओके। सो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने एक पॉलिसी डिक्लेयर की है एंड इट वाज क्वाइट अवेटेड, मच अवेटेड व्हीकल्स स्क्रैपेज पॉलिसी डिक्लेयर की है, जिसके अंडर कुछ साल लग जाएंगे, 4-5 साल, और बाद में फाइनली ये स्क्रैपेज पॉलिसी कंप्लीटली वो लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे में और 0 कार्बन एमिशन वाला हमारा कंट्री हो जाएगा, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे में सब व्हीकल यूज़ कर पाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा प्रमोट करेंगे। तो ये सारी चीज़ है, इसमें फ़ायदे क्या है, कितना क्या क्या चीज़ में उनको रुकावट आ सकती है, ये सारी चीज़ के बारे में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने जो स्टेटमेंट दिए है, टुगेदर विद द ओपिनियन ऑफ एडिटर ऑफ न्यूज पेपर, ये एडिटोरियल में आपको कवर किया गया है कि, और ये भी बताया गया है साथ में कि ये जो सेक्टर है पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये हमारी GDP में काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, एंड आफ्टर हम EV इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट ज़्यादा ओपन करेंगे, हमें डेफिनेटली GDP हमारा और ग्रो हो सकता है और एनवायरमेंट भी अच्छा हो सकता है। 0 कार्बन एमिशन का जो पेरिस का हमारा हमें फॉलो करना है पेरिस अग्रीमेंट के बारे में, तो वो भी हो जाएगा। तो ये सभी फायदे हो है इस स्क्रैपेज पॉलिसी से, और इसमें क्या अच्छा नहीं है वो चीज के बारे में भी थोड़ा ओपिनियन दिया है एडिटर ने। आप जरूर इसे डिटेल में पढ़ना, मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया, बट डिटेल में लाइन टू लाइन आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट एडिटोरियल है राइजिंग पॉवर्टी के बारे में, तो COVID-19 के बाद कितना ज़्यादा पॉवर्टी बढ़ा, तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया और चाइना ये 2 जगह पॉवर्टी बढ़ा है,
बट इंडिया और चाइना में भी बहुत बड़ा वास्ट डिफरेंस है. चाइना में सिर्फ इतना सा पॉवर्टी बढ़ा है जबकि इंडिया में इतना ज्यादा पॉवर्टी बढ़ा है. और इस चीज के रीजन क्या है और कैसे हम इसे ओवरकम कर सकते हैं, ये सारी चीज का ओपिनियन इस एडिटोरियल में दिया गया है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सो सो इम्पोर्टेंट, जंक इन एफिशिएंसी वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट था, वो ज्यादा अच्छे से पढ़ना है. इसको ऊपर ऊपर से एक बार आप पढ़ सकते हो. लीड में आज एक भी इम्पोर्टेंट नहीं है आई वुड से. लीड ठीक है, आप स्किप कर सकते हो इसे. ये जो सेकेंड लीड है, एक बार ऐसा है तो इसको ऊपर ऊपर से पढ़ना ठीक है. क्योंकि ये जो है ये वाली लीड, मैं एक बार फुल व्यू करके दिखाती हूँ. डबलिंग डाउन एज ए रेसिलियंट इंडिया फॉर लीडिंग कंपनीज विद ग्लोबल एम्बिशंस, द रिवॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस कॉम्प्लेक्स कंट्री आर वर्थ परस्यूइंग. तो इधर जिस एक तरीके एक तरफ पॉवर्टी के बारे में आर्टिकल दिया गया है, जबकि एक तरफ हमें दो COVID-19 में बहुत पॉवर्टी बढ़ा बट साथ साथ में FDI इनफ्लो भी इतना आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो एशिया में, पूरे एशिया में इंडिया इज लाइक, अभी सभी को ऐसा लगता है कि ये कंट्री में परस्यू करना चाहिए, ये कंट्री में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह डालनी चाहिए. तो गूगल, फेसबुक और वॉलमार्ट, सैमसंग, फॉक्सकॉन, सिल्वर लेक, ये सारी कंपनी इधर इंडिया में आना चाहती थी, आई है. बहुत सारा FDI हमने, ये इतने सालों में जितना FDI नहीं आया है उतना इन्फ्लो इधर आया है. बट फिर भी चाइना वगैरह से हमारा इन्फ्लो चाइना और ब्राजील के कंपैरिजन में कम है फिर भी. और इंडियन मार्केट में फिर भी लोगों को क्या हेजिटेट होता है आने के लिए, क्यों, सर्टेन बैरियर्स क्या है हमारे इंडिया के मार्केट के, वो सारी चीज भी इधर डिस्कस की गई है. एक बार पढ़ने जैसा आर्टिकल है, काफी काम लगेगा और नॉलेज भी अच्छा पड़ेगा ठीक है. तो हमारा FDI इन्फ्लो ये साल हाईएस्ट था ठीक है, पहले के सालों के कंपैरिजन में, दो COVID-19 था. तो ये चीज के रिगार्डिंग ही पूरा ये आर्टिकल कवर किया है, आपको एक बार देखना जरूर चाहिए ठीक है. गोइंग टू नेक्स्ट पेज. ओके, वन मोर ऑन दिस. ये सेवेंथ पेज जो है ये भी एक ओपिनियन रिलेटेड पेज है, कमेंट सेक्शन है. इस पे भी एक आर्टिकल, दो आर्टिकल्स रादर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक ओवरव्यू देती हूँ आपको इसका, आपको एक बार डिटेल में पढ़ना होगा. सो मैंने एक लीड और एक एडिटोरियल और एक लीड को अच्छे से पढ़ने को बोला, एक एडिटोरियल को ऊपर ऊपर से पढ़ने को बोला. ये आपका इतना होमवर्क है ठीक है. इसके अलावा ईरान डील कुड बी रेस्क्यूड बाय IAEA. ओके, सो अ न्यू इनिशिएटिव बाय IAEA मेड हेल्प टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव टू JCPOA इन अ चेंज सरकमस्टेंसेस. तो USA और ईरान के बीच में जो डील है, JCPOA ठीक है. और जिस तरीके से USA इज ब्लेमिंग ईरान के JCPOA का वायलेशन उन्होंने किया है, और ईरान चाहती है कि US सर्टन जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह रखे वो हटा ले ठीक है. तो ये सब चीज में IAEA जो है वो काफी, ये डिस्प्यूट जो ईरान यूएस के बीच में चल रहा है इसमें IAEA बहुत बड़ा हेल्प कर सकता है एंड काफी पीस ला सकता है एंड दोनों कंट्री में को फायदा दे सकता है. तो इस चीज, ये ओपिनियन है ओके, ये किसका ओपिनियन है मैं आपको बता दूं. देखो हमारे फॉर्मर एम्बेसडर थे, लास्ट लाइन जो देखे, एंड गवर्नर फॉर इंडिया IAEA के, तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है और बताया है कि कैसे IAEA, ये जो अभी वर्ल्ड में बड़ा इश्यू चल रहा है ईरान यूएस का, वो कैसे रिजॉल्व हो सकता है ठीक है. तो इसमें ये चीज के बारे में पूरा एक ओपिनियन दिया हुआ है कि कैसे IAEA कैन प्ले अ वेरी बिग रोल. ओके, JCPOA क्या है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बिटवीन ईरान एंड USA ठीक है. IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ठीक है. तो ये हेल्प कर सकता है ईरान और यूएस को कंसेंसस लाने में. बहुत अच्छे से इसके बारे में पूरा दिया गया है आर्टिकल, जरूर इसको डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए. एंड यस गाइस, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि डिटेल में पढ़ना चाहिए, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम मैं पूरा डिटेल में नहीं कर सकती हूँ आपको कवर, बट मैं सभी का ओवरव्यू आपको दे रही हूँ. अभी आपको डिटेल में पढ़ने के बाद कुछ भी ना समझ में आए तो
फील फ्री टू आस्क मी ऑन टेलीग्राम चैनल, माय टेलीग्राम चैनल, आप इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो. माय टेलीग्राम चैनल नेम इज निधि ध्रुव क्लैट एडुकेटर, ठीक है. और अन एकेडमी की भी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है, उसमें भी बहुत सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती है, तो वो भी जरूर ज्वाइन कीजिए, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Another important article on the page number 7 is this: how to treat unpaid work. So in India, women's burden, you know, at home, और उनको जो अनपेड वर्क है और फिर भी उनके साथ जो ह्यूमिलेशन होता है, चिल्ड्रन को भी जो केयर वगैरह देते हैं मदर्स फॉर फ्री, ओके, और उसकी वैल्यू फिर नहीं होती है. आज के ज़माने में जो पेड चीज़ों की ही वैल्यू है, तो अनपेड वर्क जो फीमेल्स करती है घर संभालने का या फिर बच्चे संभालने का और उनको जो प्यार और केयर और ये देते हैं, तो बच्चे बड़े होके बच्चे भी उनके सामने नहीं देखते हैं. तो ये सारी चीज़ जो है इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट चाहती है एक पॉलिसी लाना और इस उनके लिए सर्टेन यू नो सर्टेन रिजोल्यूशन और सर्टेन सोल्यूशन लाना इस चीज़ के लिए. तो इसके लिए क्या करना चाहिए और गवर्नमेंट क्या कर रही है ऑलरेडी ये, और क्या करना चाहिए था और बेटर कैसे कर सकती थी गवर्नमेंट, तो ये चीज के बारे में इधर आर्टिकल कवर किया है. मस्ट रीड आर्टिकल, इम्पोर्टेंट. तो आज का आपका होमवर्क है एक एडिटोरियल डिटेल में, एक एडिटोरियल ऊपर ऊपर से, एक लीड डिटेल में, ISEA वाला अभी हमने जो देखा वो डिटेल में, और ईरान और US वाला जो आर्टिकल एंड ये वाला आर्टिकल डिटेल में. इतना आपका होमवर्क है. कुछ भी नया समझ में आए तो आप कभी भी मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो. एथ पेज पे आपको कुछ कवर नहीं करना है. नाइन्थ पेज पे आपके लिए एक न्यूज है. जो CPWD है हमारे, दैट इज सेंटर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है, वो लोग 3 roads नए बिल्ड कर रहे हैं चाइना बॉर्डर इन लद्दाख. तो इंडिया और चाइना का बॉर्डर जो लद्दाख है, उस लद्दाख में है, उसके पास ही एक 3 road नए कंस्ट्रक्ट किए कर रहे हैं हाई एल्टीट्यूड एरिया में, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट एंड इट इन्वॉल्व लॉट ऑफ एक्सपेंसिस ऑल्सो. ऑलमोस्ट 212.99 crore का ये प्रोजेक्ट होगा, जिसमें 3 नए roads बिल्ड हो रहे हैं बाय CPWD, दैट इज सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है. और इसके लिए टेंडर्स उन्होंने बाहर लाए हैं, उसकी बिड्स वगैरह आएगी और बाद में फाइनलाइज किए जाएंगे, ठीक है. तो ये एक नया एक न्यूज आपको ध्यान में रखना था. नेक्स्ट पेज पे जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस वगैरह ने जो कमेंट दिए थे रिगार्डिंग व्हाइल हियरिंग द केस ऑफ रेप एंड यू नो रिगार्डिंग मैन हु वाज कमिटिंग रेप ऑफ अ फीमेल, उसके वो शादी करेगा क्या, ऐसा जब ये क्वेश्चन पूछा, बहुत क्रिटिसिज्म मिला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को. तो रिसेंटली अभी एक जजमेंट पास किया गया है, उसमें यू नो अच्छे से मिस्टर ए एम खानविलकर और रविंद्र भट्ट, एस रविंद्र भट्ट, इन्होंने एक जजमेंट पास किया, अर्ज किया है सारी कोर्ट्स को, नॉट जस्ट सुप्रीम कोर्ट बट सारी कोर्ट्स को, टू अवॉइड यूजिंग रीजनिंग और लैंग्वेज विच डिमिनिश्ड अ सेक्चुअल ऑफेंस एंड टेंडर टू ट्रेवलाइज द सर्वाइवर. तो ऐसे स्टेटमेंट नहीं यूज करने चाहिए जो स्टीरियोटाइप हो विमेन के लिए, ओके, और सेक्सुअल ऑफेंस को डिमिनिश कर दे और उल्टा सर्वाइवर जो है सेक्सुअल ऑफेंस के, रेप विक्टिम्स वगैरह, उनको और ट्राइबलाइज करे. ऐसे स्टेटमेंट खास करके कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट के जजेस को नहीं यूज करना है. ये चीज एक करेक्टिव वॉइस टॉप कोर्ट से वापस आ गया है टू एक्चुअली रीडू देयर एक्शंस बेटर, उनके एक्शंस को प्रॉपर करने के लिए, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट वॉक्स अ टाइट रोप ओवर वैकेंसीज, ओके. तो सुप्रीम कोर्ट में सर्टेन वैकेंसी क्रिएट हो रही है,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब हिमसेल्फ इज गेटिंग रिटायर्ड नेक्स्ट ईयर, ध्यान में रखिए आपके एग्जाम के पहले नए चीफ जस्टिस आ गए होंगे, तो आपको उसके बारे में भी न्यूज ध्यान में रखना है, ठीक है। और दूसरी भी कुछ और चार पोस्ट भी खाली हो रही है, ठीक है, मीन्स द सुप्रीम कोर्ट जजेस आर रिटायरिंग ड्यू टू देयर एज, ठीक है, तो नए वेकेंसीज फिल करनी है, इसके लिए ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम से ही ये फिल होती है, तो कोलेजियम इज हैज टू टेक इन टू अकाउंट बोथ सीनियोरिटी एंड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम हाई कोर्ट्स। तो सीनियोरिटी लेवल पे काफी जजेस है जो वो लोग कंसिडर कर रहे हैं, ये सारे नाम है मैं आपको हाईलाइट करती हूँ, देखो हाईलाइटेड ही है ये सारे जो नाम है ब्लैक कोटेड में लिखे गए, ये सभी जजेस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिसेस हैं हाई कोर्ट के उनको सुप्रीम कोर्ट जजेस के तौर पे कंसिडर किया जा रहा है। बट इधर बोला जा रहा है कि हमें सीनियोरिटी तो देखना है एक फैक्टर, दूसरा ये भी देखना है कि सभी एक ही कुछ हाई कोर्ट से ही ना आ जाए, स्टेट की हर एक हाई कोर्ट से कुछ कुछ जजेस आने चाहिए। That is already मुंबई के दो तीन जजेस है, तो मुंबई के अभी चीफ जस्टिस को नहीं एंटरटेन करना चाहिए लाइक दैट, तो जो ऑलरेडी स्टेट से ज्यादा है हाई कोर्ट से, तो वहां से नहीं दूसरी जगह से लाना चाहिए, ये दोनों चीज कंसिडर करना चाहिए, ये बारे में ये आर्टिकल है। एंड या दैट्स इट, 11th पेज पे फॉरेन पेज में भी इतना कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ठीक है। म्यांमार में सिर्फ ये ध्यान में रखिए, प्रोटेस्टर शॉट डेड इन म्यांमार, और दो ऑस्ट्रेलियन को भी अंडर हाउस अरेस्ट रखा है म्यांमार में, तो बहुत खराब सिचुएशन बेसिकली चल रहा है म्यांमार में, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ इधर कवर किया है। एक और न्यूज़ है फॉरेन न्यूज़ में, ध्यान में रखिए हेडलाइन सिर्फ, मलेशिया में जो नॉर्थ कोरिया के डिप्लोमेट थे उनको एक्सपेल किया गया है, ठीक है, क्रिमिनल सस्पेक्ट यू नो माना जाता है उनको यूएस में, जो वो डिप्लोमेट थे नॉर्थ कोरिया के, और बिकॉज मलेशिया और यूएस के टाइज की वजह से, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की वजह से उनको एक्सपेल कर दिया गया है नॉर्थ कोरिया के डिप्लोमेट को, तो ये एक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक न्यूज़ है फॉरेन न्यूज़, उसमें ये है कि फिलीपींस जो है वो अक्यूज कर रहा है कि चाइना हमारे डिस्प्यूटेड सी एरिया में इंकर्जन कर रहा है, तो बेसिकली चाइना इज दैट नोटोरियस स्टूडेंट जिसके बारे में क्लास का हर बच्चा टीचर को कंप्लेन कर रहा है, वैसा है, सभी को परेशान कर रहा है बेसिकली चाइना। सो अभी लिटरली सभी कंट्रीज कंप्लेन कर रही है कि वो इंकर्जन कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे न्यूज आपको जानने थे आज के दिन में, ठीक है। ये स्पोर्ट्स न्यूज में भी कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज है आज, वो भी कवर कर लेंगे। फुल व्यू करती हूँ, अ डे टू रिमेम्बर फॉर गेन मैट विन्स अ ब्रॉन्ज इन स्कीट द फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप मेडल फॉर इंडियन वुमेन्स इवेंट। काफी सारे एक्चुअली इंडिया को तो मिले हैं, नॉट जस्ट दिस ब्रॉन्ज बट दूसरे भी मेडल्स मिले हैं, ठीक है। सो इंडिया ऑन टॉप, देखिए मैं इधर आपको दिखा रही हूँ, इंडिया ऑन टॉप वाला आप देख सकते हो। सो देयर वर मेनी अदर मेडल्स जो हमें मिले, 3 गोल्ड 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, ठीक है। बोथ एयर पिस्टल वन टीम्स वन द येलो मेडल फॉर इंडिया विद अथॉरिटी, दैट इज गोल्ड मेडल मिला है हमें, ठीक है उसमें। और आप इधर देख सकते हो मैन द रिजल्ट, रिजल्ट वाला पार्ट देखिए, बहुत सारे अवार्ड्स इंडिया को मिले हैं, ठीक है। मैन में जरूर ये वाला आर्टिकल आप पढ़िए, आपको सारे अवार्ड्स क्लियरली हो जाएंगे, आपको ये द रिजल्ट्स ही पढ़ लेना है, आपको सभी पता चल जाएंगे कि इंडिया में कौन सी कैटेगरी में कौन से अवार्ड मिले, ठीक है। ये वर्ल्ड कप वाले थे अवार्ड्स, ठीक है। दूसरे भी हमें मिले हैं आज के दिन में, बहुत बहुत सारी बढ़िया न्यूज है, ठीक है। मैं फुल व्यू करती हूँ इसका भी, मेड इन नेशनल टाइटल्स फॉर अर्जुन खाड़े एंड श्रीवाली, ओके। सो फॉर्म ये जो है इसमें भी द रिजल्ट वाला पार्ट आप सीधा पढ़ सकते हो। मैन में अर्जुन खाड़े एंड पृथ्वी शेखर जीते, एंड वुमेन में शिवाली एंड वैदेही जो है ये लोग जीते हैं इंडिया में। कौन सी चैंपियनशिप में ये लोग जीते हैं, तो दे हैव वन हीरो कप चैंपियनशिप जो है ना वो लोग जीते हैं, मेन एंड वुमेन टीम दोनों, ये ध्यान में रखना है आपको।
और ये भी एक G2A है, ये तीनों आर्टिकल देखने चाहिए, क्वाइट इम्पोर्टेंट. अंतवी स्टार्स इन गोकुलम्स विन, केरला साइड गोज टू टॉप ऑन बेटर हेड टू हेड रिजल्ट्स. इसमें भी द रिजल्ट्स वाला लास्ट पार्ट आप देख लीजिए, आपको समझ जाएगा. ठीक है, तो ये तीन बड़ी बड़ी विक्ट्री इंडिया की हुई है, ये सभी आर्टिकल्स आपको देखने हैं. आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू एवरी वन. थैंक यू सो मच.